ताली बजा दीजिए एक बार जोर से। सबसे पहले उनका खड़ा हुआ और क्या कहा है शायर ने, नीति खेर 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 नीति खेर मंगा नीति खेर मंगा नीति खेर मंगा ताली में दुआ ना कोई जोर मंगे दी खेर मंगा ताली में।
सकता मां पल विच आवे। आपने कहना हां और ना में जवाब देना है। हो सकता मां पल विच आवे, हो सकता मां दर्श दिखावे, हो सकता चंचल नू भूल जाए। जब हम छोटे से थे और स्कूल में जाते थे और जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तो हम क्या करते थे, पंजाबी एक शब्द है तुक्का, तुक्का छोड़ देते थे और वो हो जाता था पास। आप छोड़ रहे हो तुक्का, तीजी वाली ना ही आने। हो सकता मां चंचल नू भूल जाए, ये नहीं हो सकता। और जो इस सवाल का जवाब देगा उसको मां के दर से अड़वास में खजाना दिया जाएगा। सिर्फ हाथ खड़ा करके जवाब देना है, क्योंकि जागरण में बैठे एक न एक ऐसी बात लेकर जानी है जो आपको सारी उम्र याद रहे। सवाल किया है तो जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहल आपकी है। कहने का भाव है, शायर ने चंचल साहब का ही नाम क्यों लिखा है, हमारा क्यों नहीं लिखा, आपका क्यों नहीं लिखा? मैं बताता हूं, हमारे आदर में जो चंचल साहब है उन्होंने मां का इतना गुणगान किया है, इतना प्रचार किया है कि हमारे भारतवर्ष ने उनको कलयुग के ध्यानु भगत का अवार्ड दिया है। ताली बजा दीजिए चंचल साहब के लिए। इस करके शायर ने लिखा है क्या, हो सकता चंचल नू भूल जाए। दोनों हाथ उठा दे ऐसे नहीं, 1 2 3 Thank you.
ये बड़ी किस्मत वालों के गले में ये चुन्नी पड़ती है। ठिकाण वाली ये नी तेरी देर होवे भगतन दर से ठिकाण वाली ये नी तेरी देर होवे भगतन दर से ठिकाण वाली ये नी तेरी देर होवे भगतन दर से ठिकाण वाली ये तेरी खैर होवे भगतन दर से ठिकाण वाली सपना नु तार दी अन्नपूर्णा तू माता सपना नु तार दी चरण टिक गया नु खुद ही संभाल दी चरण टिक गया नु खुद ही